और अब बात अहम खबर की। बायर्स कह रहे हैं यूपी का विजय माल्या है कॉस्मिक बिल्डर। जी हाँ, कब होगी बिल्डर की गिरफ्तारी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे बिल्डर को क्यों नोएडा अथॉरिटी शह दे रही है? बायर्स, नोएडा अथॉरिटी ने भी बायर्स की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। कॉस्मिक बिल्डर पर पुलिस और अथॉरिटी दोनों मेहरबान है। कॉस्मिक बिल्डर के सीएमडी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुशांत मुखर्जी और शेखर मुखर्जी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। क्षेत्राधिकार न होने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार किया। प्रॉपर्टी डीलर्स को के मामलों की कोर्ट में भरमार हो गई है, ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई। कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 4 एफआईआर दर्ज की है। मामले में कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है पुलिस। बिल्डर ने 2015 तक सैकड़ों बायर्स को कमर्शियल यूनिट देने का वादा किया था। कॉस्मिक बिल्डर ने बायर्स की करोड़ों की कमाई पर डांका डाला। बायर्स ने कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ कई जगह दर्ज कराए हैं मामले। कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ आगरा, दिल्ली और नोएडा में दर्ज हैं मामले। समाचार प्रेस ने दिखाई थी कॉस्मिक बिल्डर पर बायर्स के आरोपों की खबर। तो कॉस्मिक बिल्डर के जमानत याचिका पर जो सुनवाई है उससे इनकार कर दिया है पटियाला हाउस कोर्ट ने। कोर्ट ने सवाल किया है पुलिस से कि क्या पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। आपको बता दें, सवाल उठाया है बायर्स ने कि आखिर क्यों अथॉरिटी कॉस्मिक बिल्डर पर मेहरबान है। सवाल ये उठाया गया कोर्ट की तरफ से कि क्या आरोपियों की पुलिस का गिरफ्तारी करे, क्योंकि लगातार जो बायर्स के आरोप, बायर्स की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसमें पुलिस कितनी मुस्तैद है, ये कोर्ट की तरफ से पूछा गया। आपको बता दें, कॉस्मिक बिल्डर ने बायर्स की करोड़ों की कमाई पर डांका डाला है। बायर्स ने कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ कई जगह मामले दर्ज कराए हैं, लेकिन बावजूद इसके कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ आगरा, दिल्ली और नोएडा में दर्ज है मामले। तो बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है कॉस्मिक बिल्डर पर। समाचार प्लस ने बायर्स के आरोपों की खबर दिखाई थी। तो कोर्ट से बड़ा झटका लगा है सुशांत मुखर्जी और शेखर मुखर्जी को। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बायर्स की नारेबाजी, जो कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। दरअसल कॉस्मिक बिल्डर के खिलाफ शिकायतों का जो अंबार है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर अथॉरिटी और साथ ही पुलिस क्यों मेहरबान है कॉस्मिक बिल्डर पर। तो कॉस्मिक बिल्डर के सीएमडी को बड़ा झटका। सुशांत मुखर्जी, शेखर मुखर्जी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जमानत याचिका दाखिल की गई थी कॉस्मिक बिल्डर की तरफ से, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन